हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है जहाँ पे ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 का ब्लैक एडिशन और उस साइड में खड़ा है बजाज पल्सर 150 का भी ब्लैक एडिशन। तो आज मैं फ्रेंड्स इन दोनों का आप डार्क एडिशन भी बोल सकते हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। क्या कुछ प्राइसिंग आपको अभी मिल जाता है, 2021 वेरिएंट है दोनों ही। ये जो अभी है रिसेंटली ही कंपनी ने लॉन्च किया है, दो तीन दिन हुआ है लॉन्च किए हुए, आपके एरिया में भी आना स्टार्ट हो जाएगा एक दो दिन के अंदर। तो अभी हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपकी बाइक अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिस ना हो जाए। लुक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लुक्स में आ रहा है अभी यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसका डिटेल्स आपको हम बताते हैं। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ भी पूछना रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं साइड से दोनों बाइक्स को। ये जो है ये बजाज पल्सर 150 है और वो है बजाज पल्सर 125। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप साइड से देखेंगे, अगर आप इस स्टिकर को अगर छुपा देते हैं तो बताना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है कि कौन सी बजाज पल्सर 150 है और कौन सी 125 है, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक कंपनी ने सिमिलर कर दिया है। इस बार लुक्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मेजर डिफरेंस का, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों को राइट हैंड साइड से अगर हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग डिफरेंस की, तो प्राइसिंग में यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग में आपको 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ पे 150 जो है ये 20,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर हम बात करते हैं 150 के प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,01,818 रुपीज़ के अप्रॉक्स में डिस्क वाले वेरियंट का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अगर बात करते हैं 125 के बारे में, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 79,693 रुपीज़ के अप्रॉक्स में डिस्क वेरिएंट का प्राइस मैं बता रहा हूँ। अगर बात कर लेते हैं ऑन रोड, तो ऑन रोड फ्रेंड्स आपको 125 जो है ये लगभग में आप बोल सकते हैं 95,000 से 98,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिलेगा। और ये जो है ये फ्रेंड्स आपको ऑन रोड लगभग में यहाँ पे 1,18,000 से 1,20,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं 20,000 से 25,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। अगर बात करते हैं दोनों के फ्रंट से डिफरेंस का, तो चलिए यहाँ से वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के फ्रंट के बारे में, तो फ्रंट से दोनों ही बाइक्स एकदम सिमिलर लगती है देखने में, आइडेंटिकल ट्विन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है वो बजाज का लोगो मिल जाता है इसमें, और वाइज़र भी जो है वो सेम दोनों में आपको मिल जाता है, सेम बजाज का लोगो है दोनों में ही। हेलोजन में लाइट्स कंपनी ऑफर करती है, पायलट लैंप्स भी जो है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर हेलोजन में बल्ब में ही मिलता है। इस साइड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का स्टिकर आपको मिल जाता है इसमें 125 में, जो कि छोटा सा एक स्टिकर यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया है। अगर 150 में आप देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको बिग साइज़ का स्टिकर मिलता है, जो कि फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं बिल्कुल ही लेज़र एडिशन टाइप का लुक दे रहा है आपको। तो यहाँ पर बस स्टिकर का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बाइक्स में फ्रंट में। अगर बात करते हैं फ्रंट में यहाँ पर फ्रेंड्स, तो डिस्क में भी काफ़ी आपको अंतर मिल जाएगा और ब्रेकिंग में भी दोनों का ही। जो फ्रंट का आपको फेंडर है वो ब्लैक में मिल जाता है, पूरा ग्लॉसी ब्लैक में कंपनी ने यूज़ किया है। अगर बात करते हैं दोनों के ब्रेकिंग साइज़ के डिफरेंस की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको सिंगल, इसमें फ्रेंड्स आपको जो है ABS नहीं मिलता है 125 CC में, इसमें कंपनी आपको CBS ऑफर करती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। उसका जो डिस्क का साइज़ है वो 240 mm का है, इसका यहाँ पे फ्रेंड्स 260 mm के अप्रॉक्स में आपको मिलता है। तो डिस्क का साइज़ इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं टायर्स का, तो फ्रेंड्स इसमें आपको MRF के टायर्स मिलते हैं, जो कि नैलो ग्रिप के टायर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टायर के सेक्शन का, तो टायर का सेक्शन इस साइड से आपको दिख जाएगा। तो टायर्स इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 80x100 का कंपनी ऑफर करती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसमें भी फ्रेंड्स आपको जो है वो सेम MRF के ही टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है और सेम साइज़ है 80x100 का। तो टायर में यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, दोनों में ही आपको कंपनी टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोवाइड करती है, सेम साइज़ है टेलीस्कोपिक फोक्स का भी, इसमें भी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बात कर लेते हैं दोनों के इंडिकेटर्स के बारे में, तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे सेम मिलता है, यहाँ पे कंपनी आपको बल्ब में इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड करती है, इसमें भी बल्ब में इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अब साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंजन काउल का जो डिज़ाइन है कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, आपको मैं सामने से दिखा देता हूँ। और इसका अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो है फ्रेंड्स अभी इंजन काउल यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, बट वो आपको लगा हुआ मिल जाएगा, सेम स्टिकरिंग ऊपर वाला मिलेगा आपको नीचे में। बात करते हैं टैंक का, तो दोनों का ही जो टैंक का डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल ही सेम है, एकदम सेम है, बस ग्राफिक्स का अंतर है। इसमें कुछ इस टाइप का ग्राफिक्स कंपनी दे रही है इस बार, और इसका जो ग्राफिक्स है ये आप देख सकते हैं, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा कार्बन फाइबर टाइप का जो है हल्का सा स्टिकर्स इस बार ऐड किया गया है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो इसमें पूरा ही ग्लॉसी पार्ट है, इसमें कोई भी स्टिकरिंग का यूज़ नहीं किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको 150 की बैजिंग मिल जाती है, इसमें सिंगल में सीट आपको देखने को मिलता है।
और इसका जो सीट का जो कुशनिंग है वो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। तो सीट की कुशनिंग में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप बोल सकते हैं हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो इसका जो सीट है कुछ इस टाइप का आपको मिलता है और इसमें वाइट कलर से स्टिचिंग किया हुआ है, ये भी डुअल टोन में आता है। तो सीट यहाँ पे लगभग में आपको सेम मिलता है दोनों ही बाइक्स में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो कुशनिंग है और दोनों का जो सिटिंग पोस्चर है वो भी सेम मिलेगा। इसमें भी फ्रेंड्स कंपनी आपको किक ऑफर कर देती है। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको इंजन जो है वो मिल जाता है 149 cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन कंपनी ऑफर करती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है लगभग में फ्रेंड्स 14 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.25 Nm का। वहीं अगर हम इसका बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 124 cc का आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड इंजन कंपनी ऑफर करती है, जो कि फ्रेंड्स आपको एयर कूल्ड इंजन है इसमें भी और इसमें भी। और इसका जो पावर फिगर्स है वो लगभग में आपको यहाँ पे 12 bhp के अप्रॉक्स में पावर और 11 Nm के अप्रॉक्स में टॉर्क कंपनी ऑफर करती है। तो दोनों में ही आपको किक भी मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसमें क्रोम प्लेटिंग का यूज़ किया गया है, मैट में एग्जॉस्ट है, ऊपर से क्रोम प्लेटेड आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पूरा ही मैट ब्लैक है, इसमें भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक का ही जो ऊपर से है वो भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, बस एक क्रोम प्लेटिंग का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये साइड से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। यहाँ का आप स्टिकरिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिकर दिया गया है इसमें, और उसमें फ्रेंड्स आपको पूरा प्लेन मिल जाता है, कोई भी स्टिकर नहीं मिलता है यहाँ पे, बस यहाँ 125 का स्टिकर आपको मिलता है। बात कर लेते हैं सस्पेंशंस का, तो रेयर में दोनों में सेम सस्पेंशंस मिल जाता है, एडजस्टेबल इंड्योरेंस का नेटवर्क शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि काफ़ी टाइम से कंपनी यूज़ कर रही है बजाज, और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन भी है जो कि एडजस्टेबल है। अगर हम बात कर लेते हैं इस साइड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको नाइलो ग्रिप के टायर मिल जाते हैं MRF के, और इसमें फ्रेंड्स आपको RLP सेंसर भी मिल जाता है, जो कि आपको 150 में कंपनी ऑफर ही ऑफर कर रही है। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में तो इसमें भी सेम आपको टायर्स मिल जाता है, इसमें 100x100 सेक्शन का टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसमें फ्रेंड्स आपको जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इसमें आपको RLP सेंसर कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है, इसका कुछ इस टाइप का आपको मिल रहा है। तो डिज़ाइन आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे RLP सेंसर आपको मिल जा रहा है रेयर से फ्रेंड्स। टेल लाइट का डिज़ाइन दोनों बाइक्स में आपको एकदम सेम मिलता है, उसमें कोई भी यहाँ पे डिफरेंस कंपनी ने नहीं रखा है। बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स का, तो सेम इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स भी इस बार बिल्कुल ही सेम कर दिया गया है 150 में और 125 में, जो कि पहले डिफरेंट आता था। तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस साइड से तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, इसमें भी कंपनी आपको जो है वो साड़ी गार्ड प्रोवाइड कर देती है। तो सेम साड़ी गार्ड आपको देखने को मिल रहा है दोनों बाइक्स में। आपको टायर हगर भी मिल जाता है, तो टायर हगर भी आप देख पा रहे होंगे दोनों में। कवर्ड चेन सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करती है, वहाँ भी आपको दिख रहा होगा कवर्ड चेन, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, दोनों में ही कवर्ड में चेन आपको मिल जाता है। दोनों 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप इसमें भी है, और 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप आपको इसमें भी मिल जाता है। इसका जो इंजन है ये फ्रेंड्स थोड़ा ग्रेइश टाइप में है, और इसका पूरा ही ब्लैक आउट इंजन आपको मिलता है इस बार। ये सब फ्रेंड्स माइनर चेंजेस है। इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पे फ्यूल ऑन ऑफ का जो है ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, इसमें आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। और अगर बात कर लेते हैं लेग गार्ड का, तो इसमें भी लेग गार्ड इंस्टॉल होगा, अभी लगा हुआ नहीं है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लुक्स देख रहे हैं इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो लुक्स है आपको कुछ इस टाइप का मिल रहा है बाइक का। तो ओवरऑल में बात कर लेते हैं मीटर कंसोल वगैरह के बारे में, तो मीटर कंसोल वगैरह यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिफरेंट मिल जाता है दोनों बाइक्स में। इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन वगैरह शो करता है, जो कि इस बार ऐड किया गया है, और इसमें आपको नॉर्मल मीटर मिलता है जो कि पहले मिल रहा था। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्विच वगैरह की, तो सब सेम मिलता है, हाई बीम लो बीम पास, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इधर में ये इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच, और यहाँ आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वही सेम इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच, हाई बीम लो बीम, यहाँ पे आपको हॉर्न, और यहाँ पे पास स्विच। टैंक आप ऊपर से देख पा रहे होंगे, क्लिप ऑन हैंडल बार्स दोनों बाइक में कंपनी ऑफर कर रही है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, सेम क्लिप ऑन में हैंडल बार्स मिलता है। फीचर्स अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरी डिटेल वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं, बार बार एक ही बात बता के कोई फ़ायदा है नहीं। टैंक आप देख सकते हैं एक ही डिज़ाइन का मिलता है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा कुछ मेजर में डिफरेंस नहीं रखा है, इंजन और पावर में डिफरेंस मिलता है, प्राइसिंग में डिफरेंस मिलता है। तो आप अपने यूजर्स के हिसाब से देख ले कि आपके यूजर्स में कौन सी बाइक जो है वो सेट बैठ रही है, यूजर्स के हिसाब से ही आप बाइक परचेस करें। दोनों ही बाइक जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है प्राइसिंग सेगमेंट में। तो यही मेजर में डिफरेंस था फ्रेंड्स दोनों बाइक में। होप करता हूँ आपकी जितने भी डाउट्स होगी वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।